हेलो गाइस, दिस इज द पेट विला अगेन। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जर्मन शेफर्ड को कैसे और कब ट्रेन करना है और किस एज में ट्रेन करना और कैसे ट्रेन करना। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि पहली वीडियो में 20 व्यूज आ गए और सब्सक्राइबर्स को तो जा ही जा रहे, पर ऑलमोस्ट 20 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो उसके लिए थैंक्स। और चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो गाइस, पहली चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा वो है कि आपको अपने डॉग को ना बहुत प्यार करना चाहिए, और सबसे जरूरी है कि आपको किस एज में चालू करना चाहिए उससे चालू कर दो। तो आपको अपनी डॉग के साथ चालू करना चाहिए पहले महीने में, उसके पहले महीने के थोड़े दिनों बाद उसकी ट्रेनिंग चालू कर दीजिए। ऐसे भी नहीं कि सीधा ये करूंगा, स्लोली जाइए और धीरे धीरे उसको ट्रेन कीजिए। और अब सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बोलूंगा वो है इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो इसको चाहिए इसकी ट्रेनिंग में, वो है सोशलाइजेशन। तो अब डॉबरमैन जर्मन शेफर्ड जैसे डॉग्स जो है फार्मिंग डॉग्स किसी को भी आराम से मार सकते हैं, तो इसको सोशलाइज करो ताकि किसी को ऐसे ही मार ना दे और फ्रेंडली बने, थोड़ा खतरनाक भी और फ्रेंडली भी। अब थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो है इसकी कूदने पे। तो आपको इसको ज़्यादा कूदने नहीं देना, वरना ये प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आप धीरे धीरे नोटिस करोगे कि इसको प्रॉब्लम आ रही है, इसके पैर के बोन्स जो क्रैक होने लगते धीरे धीरे। स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगेगा कि कूद रहा है, पर बाद में प्रॉब्लम्स आ जाती है। चौथा पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो है कि आपको अपने डॉग को बहुत प्यार करना है। तो अब पहले महीने में सिखा लो, तो पहले तो आप उसको वो बाइट करता है क्योंकि इसको दांतों में खुजली आती है पहले महीनों में, तो आपके वो होगा। फिर आगे जाके उसको आदत ना हो जाए कि वो हर चीज़ बाइट करे, ऐसे सारे डॉग्स की आदत होती है कि हर चीज़ को बाइट करे। तो आपको उसको सिखाना है कि किस चीज़ को बाइट करनी है। आपको सबसे ज़रूरी या तो उसके लिए बॉल या कोई बोन तो आगे जाना होगा, पर आगे जाके आएगी, पर पहले आपको इसके लिए कोई छोटी सी बॉल ले लीजिए, खरीद लीजिए इसके लिए, और उसको सिखाइए कि आपको सिर्फ इसको चबाना है, नहीं किसी और चीज़ को। तो ये टाइम के आपका हाथ चबेगा पर इसके दांत नुकीले हो जाते हैं आखिर। सो गाइस, अभी मैं आपको 5 पॉइंट दे चुका हूँ, मैं मानता हूँ सबसे ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भेज दूँ जिसपे आप सब कुछ सीख सकते हो और आप अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हो ना, तो पहले आपको इस वीडियो में 40 लाइक्स लाने हैं, फिर मैं दूसरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में सोचूंगा नहीं पक्का करूंगा, पर आपको ना लास्ट वीडियो से भी ज़्यादा लव देना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, और चाहते हो 40 लाइक जल्दी हो जाए तो शेयर भी कर दो, और तो क्या है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आप तो कर देना। थैंक यू।